आगामी चुनावी साल को देखते हुए शासकीय अर्धशासकीय पेंशनर आउटसोर्स संविदा अधिकारी कर्मचारी संगठन अपनी लंबित मांगों को लेकर विरोध के स्वर मुखर करने लगे हैं। गुरुवार को मध्य प्रदेश आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका एवं मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता महासंघ ने बिस्टान रोड स्थित अनाज मंडी में धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद विशाल रैली निकाली। अनाज मंडी से कलेक्ट्रेट तक नारेबाजी कर पहुंची कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। में भारतीय मजदूर संघ समृद्ध सहायिका आंगनवाड़ी मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का एक दिन का पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय मजदूर संघ के द्वारा तालाबंदी और अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन एक दिवसीय किया है। क्या मांगे क्या है? मांग सबसे पहली मांग है कि सरकारी शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए और उसके बाद में जो पोर्टल ऐप चालू किया है पोषण ट्रैक उसको तुरंत बंद किया जाए। अगर चलवाना है तो उनको मोबाइल दिए जाए और उनको बैलेंस की राशि दी जाए। अगर सरकार इस पे भी नहीं जागती है, बार बार काम के नाम पे तो जो हमारी आंगनवाड़ी बहनें जो उनका काम नहीं रहता वो भी मात्र 10,000 रुपए में कर रहे हैं, समय पे उनका वेतन नहीं डलता है। आज हमारी मांग है कि जल्द से जल्द इनकी मांगे अगर पूरी नहीं की तो आने वाले 15 दिनों के बाद में उग्र आंदोलन किया जाएगा और तालाबंदी की जाएगी, अनिश्चित हड़ताल की जाएगी। इसकी पूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की और सरकार की रहेगी। नरेंद्र पटेल, भारतीय मजदूर संघ, जिला मंत्री, खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।